हाय गाइस, आपको मैं विजिबल हूँ, ऑडिबल हूँ? मेरा वॉइस क्लियर है? मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है? प्रियंका एंड शशांक, अभी मैं 1 से 2 मिनट तक वेट करती हूँ स्टूडेंट्स का, अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन आते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 2 से 4 मिनट के बाद आप डायरेक्ट स्किप करके वहीं पहुँचिए, वहाँ से आप इस क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो। हाय निशांत, आपको मैं विजिबल हूँ? येस और नो? ओके, तो मैं सेशन शुरू करती हूँ अपना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी उनके साथ ही। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बारे में लेंगे और किस तरह के सीएसआईआर नेट में मॉलिक्यूलर मार्कर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है? तो लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप अनअकैडमी के सीएसआईआर नेट, आप इस टाइम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं। अनअकैडमी यूट्यूब चैनल है जो सीएसआईआर यूजीसी नेट कैटेगरी के लिए है। ये यहाँ पर आप सभी एजुकेटर्स को लाइव देख सकते हैं। इस चैनल पर अभी फ़िलहाल आप जुड़े हुए हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं इन केस कोई एजुकेटर अगर लाइव आता है तो। अगर आप बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे सब्सक्राइब बटन के साथ में जो रहता है, तो कोई भी एजुकेटर लाइव आता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अनअकैडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर डेली स्पेशल क्लासेज होती हैं, मतलब फ्री क्लासेज होती हैं जो कि आप लोग अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी का अगर आप प्लस क्लास अटेंड करना चाहते हैं, प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होता है, उसके लिए आपको फ़ी पे करनी होती है प्लस के लिए। गुड आफ्टरनून आमिशा। एंड प्लस के फ़ायदे ये रहते हैं कि वहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलती है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि आप या तो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लास अगर आप किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। और अगर आप प्राइसिंग की बात करते हैं तो लगभग 525 पर मंथ आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन पड़ता है, जो कि काफ़ी कम फीस है। और अनअकैडमी के पास बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कुछ एजुकेटर्स और उनके क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं, वह सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन रहती है। अपकमिंग कोर्सेज के बारे में भी आप देख सकते हैं कौन कौन से अपकमिंग कोर्सेज इस टाइम अनअकैडमी पर चल रहे हैं। और अगर आपको कोई कोर्स लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्रिप्शन फ़ीस यहाँ गिवन है, 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ्स के लिए कितना कितना फ़ीस है पर मंथ, वो यहाँ पर मंथ बेसिस यहाँ गिवन है। और वन टाइम पेमेंट ये यहाँ पर गिवन है, जैसे 12 मंथ की फ़ीस होती है 10,500 और पर मंथ अगर आप कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपका पड़ता है 875 पर मंथ, 12 महीने के लिए 875 पर मंथ, जो कि काफ़ी कम फीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने में तो आपको एक रेफरल कोड का यूज़ करना होता है, जैसे मेरा रेफरल कोड है आरती रानी। अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। जो मेरा रेफरल कोड है वो है आरती रानी, सिंपली मेरा नाम है, मैं आरती हूँ। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है बायो, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं बायो चैनल पर, ठीक है? अमीश, अभी गाइस
अभी अभी ठीक है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉलिकुलर मार्कर्स के बारे में. मॉलिकुलर मार्कर किसे कहते हैं? जैसे जो हमारा ह्यूमन जीनोम होता है, ह्यूमन डीएनए होता है, हर किसी का ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन जो डीएनए होता है, इस डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ फोकस करूँ तो हर एक किसी के जीनोम में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं जो हर एक पर्सन में, जैसे अगर हम बात करें हर एक पर्सन में जो अलग अलग होती हैं. मेरा वीडियो आगे पीछे हो रहा है आई थिंक, क्योंकि यहाँ मुझे लेट रिस्पॉन्स मिल रहा है और आपका जो है ना. अभी मैंने डोर ओपन किया है, हो सकता है अभी नेटवर्क थोड़ा सा सही आए. कल से मैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करूँगी. किसी दूसरे रूम में मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा अपना. तो हम डिस्कस करते हैं मॉलिकुलर मार्कर्स के बारे में. मॉलिकुलर मार्कर्स क्या होते हैं? ह्यूमन डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं. जीनोम में ह्यूमन डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं. स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को हम, जो कि मार्कर की तरह काम करती हैं. मार्कर, मार्कर मतलब मार्क करना, ठीक है? मार्कर मतलब मार्क करना. तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर करती हैं. जैसे अगर मेरे जो अगर जीनोम की बात करें तो वो अलग तरह का ह्यूमन जीनोम है, और अगर अमीशा के जीनोम की बात करें तो वो अलग तरह की सीक्वेंसेस कैरी करता है. तो मतलब जैसे 99% ह्यूमन जीनोम सेम होता है, 99.9% ह्यूमन जीनोम सेम होता है, लेकिन जो 0.1% होता है उसी में ही वेरिएशंस होते हैं, और इन वेरिएशंस की वजह से हर कोई अलग अलग दिखता है. जैसे हमारा मेरी अपीयरेंस अलग है, किसी और की अपीयरेंस अलग है. सिर्फ इस 1% की वजह से सबकी लुक्स अलग अलग होती हैं, और इस 1% डीएनए की वजह से ही सभी वेरिएशंस आते हैं. तो इस 1% जीनोम में ही मार्कर्स होते हैं. मार्कर्स मतलब, जैसे कि आपको मालूम होगा, मार्कर्स को हम अगर कैटेगराइज करें तो ये सभी मार्कर्स होते हैं. IISCR, RAPD, AFLP, SSR, STR, RFLP, मतलब SSR जैसे सिंगल, STR शॉर्ट. STR की फुल फॉर्म कोई बताएगा? STR, STR, SNP, ये सब मार्कर्स होते हैं. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये इस तरह के मार्कर सीक्वेंसेस होते हैं. अब इसकी हर एक की क्या क्या फुल फॉर्म होती है गाइस, वो आप गूगल कर लेना, ठीक है, कि क्या क्या इनकी फुल फॉर्म्स होते हैं. लेकिन ये मार्कर्स होते हैं. इन मार्कर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से डिटेक्ट करते हैं. जैसे कि अगर अभी मैं यहाँ पर बात करूँ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हम किसे कहते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ये एक टेक्निक होती है, ये एक मेथड होता है जिसमें हम इस यूनिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम जो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं, यहाँ क्लियर नहीं गिवन है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में जो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं जीनोम में, उन मिनी सैटेलाइट्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है इस टेक्निक का यूज करके, ठीक है? तो आप ध्यान रखना कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से हम मिनी सैटेलाइट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम मिनी सैटेलाइट, ठीक है, मिनी सैटेलाइट डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? मिनी सैटेलाइट डीएनए किसे कहते हैं? मिनी सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? और इसी तरह से ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में मैं बात कर रही हूँ, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ये टेक्निक है जिसमें हम मिनी सैटेलाइट डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं. इसी तरह से आप एक नया वर्ड सुनेंगे, डीएनए प्रोफाइलिंग. डीएनए प्रोफाइलिंग में हम माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? तो मिनी सैटेलाइट के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वर्ड यूज़ किया जाता है, और अगर हम माइक्रो सैटेलाइट, दीज आर द मॉलिकुलर मार्कर्स, ठीक है, मार्कर्स हैं ये, मार्कर्स हैं ये, तो यहाँ लिखती हूँ मैं, मार्कर्स हैं ये. तो
तो मार्कर्स, मार्कर्स जैसे कि मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है, माइक्रो एंड मिनी. अभी मैं बताऊंगी क्या होते हैं माइक्रो एंड मिनी, ठीक है, बताती हूँ अभी मैं. मिनी सैटेलाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मिनी, और माइक्रो के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग टर्म, अगर हम माइक्रो सैटेलाइट सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है. अब ये मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. यहाँ पे मैं वो पीडीएफ लेना नहीं, पीडीएफ रह गया मेरा. यहाँ आप देख पा रहे हैं मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट्स के बारे में. नहीं नहीं ऑडियो तो नहीं है, वीडियो भी है. माइक्रो सैटेलाइट्स होती हैं 1 to 9 बेस पेयर शॉर्ट रिपीट्स, जो कि 80 रिच सीक्वेंसेस होती हैं, जैसे एसएसआर और एसटीआर. एसएसआर और एसटीआर लगभग, जैसे सपोज 80 रिच, ए टी टी इस तरह से, ये ए टी टी इस तरह से, ये 80 रिच रीजन होता है, 80 रिच रीजन होता है, जो कि लगभग 1 to 9 बेस पेयर लॉन्ग हो सकता है, 1 to 9 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है. तो 1 to 9 बेस पेयर शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं जो कि 80 रिच रीजन होते हैं. एग्जांपल है एसएसआर एसटीआर, एसएसआर एंड एसटीआर आते हैं, एसएसआर एंड एसटीआर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स एसएसएसटीआर की फुल फॉर्म होती है. तो ये जो होते हैं ये मिनी माइक्रो सैटेलाइट कैटेगरी में आते हैं. ऐसे ही मिनी सैटेलाइट 100 to 10 to 100 बेस पेयर लॉन्ग होती है, जीसी रिच रीजन होते हैं, और इसका एग्जांपल है वीएनटीआर सीक्वेंसेस, ठीक है. यानी ये लगभग 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड, 100 बेस पेयर लॉन्ग हो सकती हैं, ठीक है. और मैक्सिमम ज़्यादातर सीक्वेंसेस में जीसी न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, और ये टैंडम रिपीट्स होती हैं. टैंडम रिपीट्स जैसे कि सी सी जी, इस तरह से ये बैक टू बैक रिपीट हो रहा होता है. तो अगर हम मिनी सैटेलाइट, मतलब ये रिपीटेटेड सीक्वेंस है, इनको सैटेलाइट बोलते हैं, जो रिपीटेटेड सीक्वेंस होती है डीएनए में उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं. तो अगर हम बात कर रहे हैं मिनी सैटेलाइट की, कि हमें मिनी सैटेलाइट डिटेक्ट करना है, जैसे वीएनटीआर सीक्वेंसेस डिटेक्ट करनी है किसी ह्यूमन की, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिनी सैटेलाइट के लिए, ठीक है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं. और अगर हमें बात करनी है कि अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं किसी ह्यूमन जीनोम में एसटीआर या एसएसआर सीक्वेंसेस, ऐसे मानिए जैसे क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम में सपोज़ किसी ह्यूमन के क्रोमोसोम में सपोज़ यहाँ पर ये कुछ कुछ ये रीजन कुछ ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव रीजन है, रिपीट, ठीक है. तो यानी यहाँ पर जो सीक्वेंसेस है सपोज़ वो सैटेलाइट सीक्वेंसेस है, क्योंकि वो रिपीटेड सीक्वेंस है, ठीक है. तो एसएसआर है सपोज़ यहाँ पर, या फिर एसटीआर सीक्वेंस है, और ये एसएसआर और एसटीआर ह्यूमन टू ह्यूमन स्पेसिफिक होती हैं, हर किसी में ये स्पेसिफिक होती हैं, किसी के अंदर ये सेम नहीं होती, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में ये सेम होती हैं. जैसे मेरी सीक्वेंस, मेरे एसएसआर और एसटीआर डिफरेंट होंगे, अमीशा के एसएसआर या एसटीआर डिफरेंट होंगे, ठीक है. तो ये डिटेक्ट करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक से. अमीशा अभी भी विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, क्लियर, यस और नो, किसी को विजुअलाइज हो रहा है, कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है?
गाइस आपको विजिबल हूँ मैं या नहीं हूँ? अब क्वेश्चंस कहाँ से बन के आते हैं? डीएनए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो बहुत छोटा सा मेथड है, वो बहुत छोटे सी टेक्निक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन कहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं पहले उस पर फोकस करते हैं। तो ये जो है हमारे, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं ये अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे IISR, RAPD, RFLP, SSR, STR एंड RFLP, ठीक है। तो इसमें से कुछ, जैसे ये SSR, ये हमारा मिनी हो गया, मिनी सैटेलाइट हो गया, ठीक है। STR हमारा मिनी सैटेलाइट हो गया। तो ये जो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं ये को डोमिनेंट मार्कर कहे जाते हैं, ठीक है, को डोमिनेंट मार्कर कहे जाते हैं। और इसी तरह से IISR, RAPD, AFLP ये डोमिनेंट मार्कर कहे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट मार्कर से, क्योंकि कोई भी आपसे इसकी टेक्निक नहीं पूछेगा, ये जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किस तरह से परफॉर्म की जाती है ये कोई नहीं पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डोमिनेंट मार्कर है, कौन सा डोमिनेंट को डोमिनेंट मार्कर है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ देखिए, डोमिनेंट मार्कर का मतलब क्या हुआ कि वो एक पेरेंट से आ रहा है, ठीक है, एंड को डोमिनेंट मार्कर का मतलब हुआ कि कमिंग फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अब जैसे यहाँ देखिए, ये पेरेंट वन है, ये पेरेंट टू है, ठीक है, इन दोनों पेरेंट्स की ये प्रोजेनी है, फर्स्ट जनरेशन है। तो पेरेंट वन का DNA यहाँ है, पेरेंट वन का DNA यहाँ है, पेरेंट टू का DNA यहाँ है, ठीक है। अब देखिए बेबी में दोनों से आए DNA, पेरेंट वन का भी है और पेरेंट टू का भी है ना। तो यानी ये कौन सा मार्कर हो गया, ये कौन सा मार्कर हो सकता है, ये हमारा कौन सा मार्कर कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा को डोमिनेंट मार्कर, ठीक है, को डोमिनेंट मार्कर। और कौन से होते हैं को डोमिनेंट मार्कर्स? को डोमिनेंट मार्कर होते हैं हमारे SSR, STR, RFLP, ठीक है, ये दोनों होते हैं हमारे को डोमिनेंट मार्कर्स, ठीक है। तो ये SSR को डिटेक्ट करने के लिए, कि SSR मतलब जैसे अब ये यहाँ पर आप किस चीज़ की इमेज देख रहे हैं, क्या है ये क्या है, किस चीज़ की इमेज है, ये जेल की इमेज है ना, एग्रोस जेल की, ठीक है, एग्रोस जेल रन किया गया। एग्रोस जेल रन करने से पहले एग्रोस जेल में हम क्या करते हैं, एग्रोस जेल में हम DNA को रन करते हैं, ठीक है, यानी हमने DNA को आइसोलेट किया होगा पेरेंट्स से, एंड देन उस DNA को प्रोसेस किया होगा, क्या प्रोसेस की वो मैं अभी आपको बताऊंगी, प्रोसेस किया, आइसोलेट किया, एंड देन उसके बाद हमने एग्रोस जेल रन किया। तो यानी ये जो प्रोसेस है यहाँ पर DNA आइसोलेट करना और प्रोसेसिंग करना, ये जो प्रोसेस है ये होती है फिंगरप्रिंटिंग मेथड, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग मेथड। फिंगरप्रिंटिंग मेथड में जब हम जेल, एग्रोस जेल रन कर रहे हैं तो हमें ये बैंड्स मिल रहे हैं, हमें ये बैंड्स मिलने से पता चल रहा है कि हमारा जो मार्कर आया है, जो डिटेक्ट हुआ है, वो को डोमिनेंट मार्कर है, ठीक है। अब डोमिनेंट मार्कर जैसे यहाँ आप देखिए, पेरेंट वन का ये DNA है, पेरेंट टू का सपोज यहाँ पर DNA है, ठीक है, लेकिन जो बेबी है उसमें एक ही DNA मिल रहा है, ये पेरेंट वन का DNA मिल रहा है सिर्फ, यहाँ पेरेंट टू का जहाँ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यानी ये कौन से तरह का मार्कर है, इसमें ये कौन सा वाला मार्कर है, ये डोमिनेंट मार्कर है, ठीक है, ये डोमिनेंट मार्कर है। तो क्लियर हो गया डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट मार्कर्स। यस और नो, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ये CSIR में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि P1 में यहाँ पे बैंड है ये वाला और ये वाला,
P2 में ये बैंड है और ये बैंड है, F1 में ये मिला, F1 में ये P2 है, F1 में ये बैंड्स मिले, तो ये कौन सा वाला मार्कर है F1 में? कौन सा मार्कर है F1 में? कौन सा मार्कर है गाइस? ये डोमिनेंट हुआ क्योंकि एक ही पेरेंट से आ रहे हैं ये वाले बैंड्स, है ना? ठीक है, तो ये डोमिनेंट मार्कर हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन से होते हैं डोमिनेंट मार्कर? ये वाले RAPD डोमिनेंट मार्कर, ISR, RAPD, AFLP, तो इसका क्या आंसर होगा? कौन सा है डोमिनेंट मार्कर इन सब में? अमीशा एक बार रिफ्रेश करके देखो आप, हो सकता है शो हो जाए। RFLP, SSR, RFLP एंड SSR गाइस, RFLP एंड SSR इज को डोमिनेंट, ठीक है? दोनों पेरेंट से आ रहा है। देखो यहाँ पर गिवन है RFSSR एंड RFLP इज को डोमिनेंट मार्कर कमिंग फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है? तो SSR एंड RFLP वन आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है RAPD, RAPD इज डोमिनेंट मार्कर, ठीक है? तो RAPD ओनली, RFLP एंड SSR इज को डोमिनेंट, SSR इज अगेन को डोमिनेंट, SSR इज एंड RAPD, SSR और RAPD नहीं, क्योंकि इसमें SSR दे दिया है, तो ये को डोमिनेंट या डोमिनेंट इस तरह का ऑप्शन है, तो आंसर होगा 4। क्लियर? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोसेस से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मार्कर्स के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको जेल की इमेज दे दी जाएगी, देन वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर मैं यहां पर ऐसे बना देती हूँ, अब बताइए ये कौन सा क्या होगा इसका आंसर? अगर मैंने एक इमेज ऐसी भी बना दी ये, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर क्या होगा? RAPD कैसे होगा? RAPD नहीं होगा, RAPD इज डोमिनेंट, RAPD इज डोमिनेंट मार्कर। अब इस केस में आपको क्या लग रहा है, जो F1 जनरेशन है ये P1 है, ये P2 है और ये F1 है। F1 जनरेशन, ये बताइए ये चीज, ये डोमिनेंट है या को डोमिनेंट है? ये क्या समझ रहे हो आप इसे, इस टाइम डोमिनेंट है कि को डोमिनेंट है? ये को डोमिनेंट है क्योंकि इसमें देखो इसमें देखो आप, इसके P1 से भी बैंड है, ठीक है, P2 से भी बैंड है, ठीक है, P1 का ये बैंड भी है इसमें और P2 का भी ये बैंड है इसमें, दोनों मदर एंड फादर दोनों से बैंड आ रहे हैं, तो ये को डोमिनेंट का केस हो गया। तो को डोमिनेंट ये RFLP या SSR भी हो सकता है, ठीक है, इसका आंसर तब 1 हो जाएगा इस केस में, ठीक है, समझ गए कैसा क्वेश्चन होगा? एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको, आपको यहाँ पर
यस, आरएफएलपी और एसएसआर, ठीक है, ये दोनों कोडोमिनेंट मार्कर्स हैं, ठीक है। देन उस केस में अगर मैं यहाँ एक ऐसे बनाती हूँ, इस केस में ये आंसर होगा, ठीक है, और अगर यहाँ ये नहीं है तो उस केस में आरएपीडी आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये बताइए यहाँ पर, इसमें देखिए सीधा इस जेल पर आइए, इस इमेज को देखिए, इस इमेज में ये P1 है, P1 के बैंड्स हैं, ये P2 के बैंड्स हैं, ठीक है, थोड़ा बड़े लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये P1 के बैंड्स हैं, P2 के बैंड्स हैं, ये P3 एंड ये P4। अब ये जो F1 जनरेशन है, F2, F3, F4, F5, F6, सिर्फ आईज का गेम है। अब यहाँ पर करेक्ट मैच बताइए क्या है इसका, मतलब ये जैसे करेक्ट मैच है, जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन है P1 एंड P2 F3 बना रहा है, मतलब ये बोल रहे हैं P1 एंड P2 F3 बना रहा है, तो देखो F3 का P1 और P2 के साथ मैच करके ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं कि ये CSIR में पूछा गया क्वेश्चन है, CSIR जून 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने ऑप्शन दिया है P3 एंड P4 का F2, F2 P3 एंड P4 से, बताओ क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका। एक ऑप्शन है P1 एंड P2 से F1 बना रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन समझ गए। इन्होंने ये जेल की इमेज दी है और ये पूछा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है इन सब में से, करेक्ट। ऑप्शन थ्री में देखो क्या हो रहा है, ऑप्शन थ्री क्यों सही है, ऑप्शन थ्री में देखो P1 का ये जेल है, P1, F1 में भी ये बैंड यहाँ है, ठीक है, P2 का ये बैंड ये भी इसके पास है, ठीक है, ये दोनों बैंड्स यहाँ पर हैं, तो ये दोनों बैंड्स यहाँ पर भी हैं, ठीक है, P1 का ये बैंड, ठीक है, P2 का ये वाला बैंड, एंड देन P1 P2 में अब कोई बैंड नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई बैंड नहीं है, ठीक है, तो यानी ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। नीचे का ऑप्शन नहीं दिख रहा, नीचे का ऑप्शन ऑप्शंस मैं यहाँ लिख देती हूँ, थर्ड ऑप्शन है P1 इंटू P2 इज इक्वल्स टू F1, फोर्थ ऑप्शन है P3 इंटू P4 इज इक्वल्स टू F6, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से देख लिया, इस तरह से मैचिंग करनी होगी आपको, डोमिनेंट या कोडोमिनेंट मार्कर के बारे में बताना होगा, मार्कर्स क्या होते हैं वो देख लिया, ठीक है, हो गया सबका। आगे बढ़े, ठीक है, तो ये जो मार्कर्स होते हैं ये हमारी जैसे क्रोमोसोम में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं, उन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को हम मार्कर बोलते हैं, जो हमारे DNA को मार्क किए हुए हैं, ये मार्कर्स होते हैं, जैसे SSR, RAPD, AFLP, SSR, STR, RFLP, ये सभी मार्कर्स हैं, और इन सभी मार्कर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है डोमिनेंट मार्कर एंड कोडोमिनेंट मार्कर में, ठीक है। तो यहाँ से कि कौन सा मार्कर डोमिनेंट है और कौन सा मार्कर कोडोमिनेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, और मार्कर्स की वजह से हम सभी का जो जीनोम है वो यूनिक जीनोम होता है, हम सभी अलग अलग तरह से अपने जीन में
इन मार्कर्स को कैरी करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है जो मार्कर्स को, इन मार्कर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो कौन से मार्कर्स, मार्कर्स में हम बात करते हैं मिनी सैटेलाइट की, ठीक है, जो मिनी सैटेलाइट मार्कर्स होते हैं, ठीक है, मिनी सैटेलाइट मार्कर यानी 1 to 9 बेस पेयर रिपीट सीक्वेंस जो होती हैं, ये 1 to 9 बेस पेयर, ठीक है, 1 to 9 बेस पेयर रिपीट सीक्वेंसेस को हम, ये रिपीट सीक्वेंसेस होती हैं लगभग 20 to 50 times ये रिपीट होती हैं किसी एक जगह पर, ठीक है, जीन डीएनए में किसी एक जगह पर 15 to 20 to 50 बार ये सीक्वेंस रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। और जैसे AAT देन अगेन AAT देन अगेन AAT, इस तरह से ये मैंने यहाँ 3 बार बनाया है, इस तरह से ये हो सकता है 50 बार हो, 50 times हो, ठीक है, मेरे जीनोम में हो सकता है ये 50 times हो, लेकिन किसी और के जीनोम में हो सकता है ये 100 times हो, ठीक है। तो ये वैरी करता है कि किसकी जीनोम में कितनी जगह पर ये सीक्वेंस पाई गई है। तो यही हम आइडेंटिफाई करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड से। फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम डीएनए सैंपल को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, देन हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। डीएनए सैंपल को आइसोलेट करने के बाद हम इस डीएनए का, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए है, डीएनए को हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद ही हमें फ्रेगमेंट्स मिले, इन फ्रेगमेंट्स पर हम एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक परफॉर्म करते हैं, जेल रन करते हैं, ठीक है। जेल रन करने के बाद ये जो जेल है उसमें जो लार्ज साइज डीएनए है वो स्लो मूव करेगा, जो स्मॉल साइज डीएनए है वो फास्ट मूव करेगा। साइज के बेसिस पर डीएनए का सेपरेशन होता है, देन उसके बाद हम इस डीएनए को जेल से मैम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक परफॉर्म करते हैं। जेल से जब ये मैम्ब्रेन पर हमारा डीएनए आ जाता है, देन इस मैम्ब्रेन को हम एक टैंक में रखते हैं, यहाँ पर ये टैंक है, टैंक में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बफर फिल्ड है, टैंक में बफर होता है, और देन उसके बाद हम यहाँ इसमें ये रेड रेड कलर के अगर आप देख रहे हैं तो हम प्रोब्स ऐड करते हैं, प्रोब ऐड करेंगे, प्रोब एंड यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, प्रोब जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है उन्हीं के साथ जाकर बाइंड करेंगे, एंड देन हम उसके बाद इस मैम्ब्रेन से एक्सरे फिल्म डेवलप करते हैं, एक्सरे फिल्म डेवलप करते हैं, और हम देखते हैं कि इस तरह के बैंड्स हमें जेल पर मिलते हैं। तो ये तो पूरा प्रोसेस हुआ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का, ठीक है, ये आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि इस तरह से हम जेल्स डीएनए को आइसोलेट कर पाते हैं। अब बात आती है कि इस टेक्निक का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज एक क्राइम सीन है, ठीक है, क्राइम सीन से आपको ब्लड मिला, ठीक है, और ब्लड से आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया, ठीक है, डीएनए आइसोलेट करने के बाद आपने सेम वैसे ही जेल रन किया, ठीक है, जेल रन करने के बाद आपको ये जेल मिला, इस तरह का जेल मिला, ठीक है। उसके बाद आपके पास सस्पेक्ट है, आपको डाउट है कि इस केस ने, इस बंदे ने हो सकता है क्राइम किया हो, आपको किसी पर डाउट है, ठीक है, तो वहाँ पर मतलब वो सस्पेक्ट है, जिस पर हमें डाउट है उसे हम सस्पेक्ट बोलते हैं। अब जैसे सस्पेक्ट एक ये है और एक हमारा ये है, इन दोनों सस्पेक्ट से भी हम सेम वही डीएनए आइसोलेट करेंगे, ठीक है, डीएनए आइसोलेट करने के बाद हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करने के बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक परफॉर्म करने के बाद हम साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बाद हमें ये बैंड्स मिले, ठीक है, सस्पेक्ट वन से हमें ये फिल्म मिली, सस्पेक्ट टू से हमें ये फिल्म मिली। अब ये जो सस्पेक्ट का डीएनए हमें मिला, इस सस्पेक्ट के डीएनए को हम उस इन बैंड्स के पैटर्न को हम उस बैंड के पैटर्न से मैच करेंगे जो हमें क्राइम सीन से मिला। अब बताइए आपको क्या लगता है कि कौन क्रिमिनल है, कौन लगता है कि क्रिमिनल है, किसने क्राइम किया होगा अगर आप डीएनए का मैच करके देखें,
है ना. सेकेंड पर्सन का जो बैंड है, ये जो जेल है, सेम एग्जैक्टली इस क्राइम सीन वाले डीएनए से मैच कर रहा है. तो ये एक एप्लीकेशन हो गया. सेकेंड एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है. और ये जो हमने जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आइसोलेट किए, ये हमने सपोज एसटीआर सीक्वेंसेस, ये जो डीएनए को हमने आइसोलेट किया, डीएनए में भी स्पेसिफिकली हमने एसटीआर सीक्वेंस को आइसोलेट किया, ठीक है. एसटीआर सीक्वेंसेस को हमने आइसोलेट किया और वो एसटीआर सीक्वेंसेस हमने अपने जेल पर रन की, ठीक है. तो यहाँ पर यही होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है. तो अब समझ में आ गया आपको कि मिनी सैटेलाइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, मिनी सैटेलाइट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. मिनी सैटेलाइट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं. डीएनए प्रोफाइलिंग अगर कहीं वर्ड आप सुनते हैं, सेम मेथड है ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर हम मिनी सैटेलाइट की वजह माइक्रो सैटेलाइट्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर. यानी वो जो आप बैंड्स देख रहे हैं ना जेल पे, वो जो बैंड्स हैं वो कंप्लीट डीएनए नहीं है, वो मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट सीक्वेंसेस हैं, ठीक है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट डिटेक्ट किया हमने, मिनी सैटेलाइट रन जेल पर रन किए, ठीक है, मिनी सैटेलाइट सीक्वेंसेस जेल पर रन किए. एंड डीएनए प्रोफाइलिंग की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो सैटेलाइट सीक्वेंसेस हमने जेल पर रन की, ठीक है, क्लियर. ठीक है, तो और पेरेंट्स के साथ मैच करने में भी इसका यूज़ किया जाता है. पेरेंटल मैचिंग में जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जैसे एक बेबी है, ठीक है, उस बेबी को, उस बेबी के पेरेंट्स के साथ, जैसे पेरेंट वन, पेरेंट टू एंड एफ वन, तो पेरेंट्स के जीनोम के साथ अगर इस बेबी का जीनोम मैच हो रहा है, ठीक है, तो यानी उस केस में ये बेबी इसी फादर से है. अगर मैच नहीं हो रहा है तो यानी ये बेबी के पापा या फादर ये नहीं है, कोई और है. तो इस तरह की एनालिसिस के लिए, इस तरह की एनालिसिस के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है. डीएनए प्रोफाइलिंग थोड़ा सा डिफर करती है. डीएनए प्रोफाइलिंग में हम यहाँ पर पीसीआर टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, ठीक है. मतलब हमने सैम्पल आइसोलेट किया, ये बात हुई यहाँ पर माइक्रो सैटेलाइट की, ठीक है. हमने सैटेलाइट डीएनए सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसको रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट किया. रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट नहीं करते हम, सीधा इस सैंपल पर पीसीआर रन करते हैं, ठीक है. सीधा यहाँ सेकंड स्टेप पीसीआर होता है, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है. यस, पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी करते हैं. यहाँ डीएनए प्रोफाइलिंग की मैं बात कर रही हूँ, डीएनए प्रोफाइलिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है फिंगरप्रिंटिंग से. फिंगरप्रिंटिंग में हमने डीएनए आइसोलेट करने के बाद रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया था. प्रोफाइलिंग में हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन नहीं करते हैं, हम सिंपली डायरेक्ट उस अपने डीएनए के सैंपल पर पीसीआर रन कर देते हैं. पीसीआर रन करते हैं तो यानी अगर बहुत कम अमाउंट में भी हमारे पास डीएनए का सैंपल है तो भी हम एनालाइज कर सकते हैं अपने सैंपल को, ठीक है. तो पीसीआर रन करते हैं, पीसीआर रन करने के बाद हम उसको विजुअलाइज करते हैं. सेम वैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक परफॉर्म करते हैं एंड देन विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है. तो प्रोफाइलिंग में पीसीआर ऐड हुआ एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नो पीसीआर बट रिस्ट्रिक्शन इन द एंजाइम डाइजेशन इज देयर, ठीक है, क्लियर गाइस. तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर वन बाय वन पूरा मेथड, कि फर्स्ट स्टेप होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम अ सैंपल.
ठीक है, जैसे ब्लड, हेयर, इन सब से हम डीएनए सैंपल आइसोलेट कर सकते हैं. सेकेंड स्टेप होता है हम मॉलिकुलर सीजर्स का यूज़ करते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं. और यहाँ पर हम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करते हैं वो क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली, वो हमारे जो मिनी सैटेलाइट्स हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ मिनी सैटेलाइट्स को हम अलग से निकाल ले रहे हैं, मिनी सैटेलाइट. ठीक है, मिनी सैटेलाइट डीएनए को हम अलग से आइसोलेट कर ले रहे हैं. देन ये जो मिनी सैटेलाइट्स या पीसेस ऑफ डीएनए बोल सकते हैं, उन मिनी सैटेलाइट्स पर हम उनको आइसोलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक. देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बाद हम देन उसको उस पर साउदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करते हैं. साउदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करने के बाद देन हम एक्सरे फिल्म पर डेवलप करते हैं. देन हमें इस तरह का कुछ डेटा मिलता है और एप्लीकेशन इसका हो जाता है कि क्राइम सीन को आइडेंटिफाई करने के लिए या पेरेंटल एनालिसिस के लिए हम इस तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं. एसटीआर मतलब शॉर्ट टेंडम रिपीट्स. ठीक है, दिस इज अ मॉलिकुलर मार्कर, वन टाइप ऑफ मॉलिकुलर मार्कर. ठीक है, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए का पढ़ा होगा आपने, सैटेलाइट डीएनए. क्लियर, किसी को कुछ पूछना है अभी यहाँ पर? देन अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास खत्म करती हूँ. ठीक है, सैटेलाइट डीएनए, ये सैटेलाइट डीएनए का एक टाइप होती है, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, एसटीआर सीक्वेंसेस. किसी को कोई डाउट है गाइस? इसमें मैं एसटीआर, यहां आ जाइए आप. वीएनटीआर इज अ, VNTR is a mini satellite, ठीक है, और SSR और STR is a micro satellite, ठीक है, STR is a micro satellite. DNA profiling या DNA fingerprinting सेम ही है, सेम ही टेक्निक्स हैं ये दोनों. ठीक है, बस डिफरेंस यह है कि किसी में हम कुछ स्पेसिफिक पार्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी में कुछ दूसरा सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो यहाँ कंफ्यूज मत होना. ठीक है, डीएनए माइक्रो, कोई बात नहीं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट ये यहाँ पर गिवन है इनके फीचर्स. ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट 80 रिच रीजन होता है, शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं, लगभग 1 to 9 बेस पेयर लॉन्ग होती हैं. मिनी सैटेलाइट 100 बेस पेयर लॉन्ग होती हैं, टेंडम रिपीट्स होती हैं, जीसी रिच रीजन्स होते हैं. एग्जाम्पल SSR, STR एंड VNTR. SSR, STR, VNTR इनके डिटेक्शन के लिए हम DNA प्रोफाइलिंग या DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड का यूज़ करते हैं. यस यस यस, VNTRs यूज होंगे. ऐसा नहीं है, वैसे एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मैं SSR या STR पर DNA फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकती हूं. ठीक है, इस पर भी हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं. यहां भी मैं ऐसा कोई नहीं होगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, यहां पर भी हम DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं. लेकिन प्रेफरेबली ये किया जाता है कि बेस्ट रिजल्ट के लिए हम STR के लिए हम PCR मेथड यूज़ करते हैं. समझ रहे हो, प्रोफाइलिंग में मैंने क्या बताया, यहाँ PCR यूज़ हो रहा है. ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग में मैंने बताया कि नो PCR. ठीक है, ओनली रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ओनली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर STR पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन यूज़ करके यूज़ करना चाहूँ डायरेक्टली तो कोई प्रॉब्लम होगी. लेकिन बेटर, बेस्ट रिजल्ट के लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल है उसकी एसटीआर सीक्वेंसेस को हम आइसोलेट करना चाहते हैं, तो हम पीसीआर टेक्निक यूज़ कर लेते हैं. और जहाँ पर पीसीआर वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर
प्रोफाइलिंग आ जाएगा फिंगरप्रिंटिंग की जगह, ठीक है। ठीक है हमेशा, नो प्रॉब्लम, समझे बाकी सब। ठीक है, अगर मतलब ऐसा नहीं होगा, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रोफाइलिंग वी आर यूजिंग फॉर माइक्रो सैटेलाइट्स, प्रोफाइलिंग में हम यूज़ कर रहे हैं पीसीआर मेथड का, फिंगरप्रिंटिंग में हम पीसीआर यूज़ नहीं कर रहे, पुरानी टेक्निक है फिंगरप्रिंटिंग, पुरानी टेक्निक है। आजकल हम प्रोफाइलिंग वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, डीएनए प्रोफाइल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था, आजकल प्रोफाइल यूज़ किया जाता है क्योंकि अब पीसीआर मेथड डेवलप हो चुका है, तो पीसीआर का हम ज़्यादा प्रोफाइलिंग टर्म ज़्यादा यूज़ की जाती है। मेरा नेक्स्ट क्लास होगा परसों 27th को, नेक्स्ट क्लास है मेरा 27th को और मॉर्निंग में होगा, 27th होगा मॉर्निंग में होगा मेरा नेक्स्ट क्लास, अगले 3 क्लास मेरे मॉर्निंग में होंगे, ठीक है। और मेरा एक इसका टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, BAAYO करके बायो चैनल का ग्रुप है CSIR नेट लाइफ साइंस का, यहाँ पे मैं अपडेट डाल देती हूँ मेरी कब कब वीडियोस होती है, मैं वहाँ शेयर कर देती हूँ, तो आप अनअकैडमी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें सारे। और अनअकैडमी पे मेरा नेक्स्ट क्लास मैं 2-3 दिन में ही प्लान कर रही हूँ, अनअकैडमी पे नेक्स्ट क्लास मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस का लूँगी कि किस तरह के पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन मैंने जो एक पूछा था आपसे? यहाँ से मॉलिकुलर मार्कर से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 4 मार्क्स में आपको फ्री में 4 मार्क्स मिल जाएंगे इस तरह क्वेश्चन में, है ना, कि कौन कौन से पेरेंट्स से कौन कौन सी प्रोजेनी है, ठीक है। तो गाइज अभी मैं इस सेशन को यही ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट क्लास मेरी है 27th को, ठीक है, 27th को होगी, और मैं अपना जो मेरा टेलीग्राम पर ग्रुप है बायो करके आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर मुझे, वहाँ मैं अपडेट करती रहती हूँ अपने हर एक सेशन के बारे में जो भी मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, और बाकी और भी जनरल नॉलेज की बातें वहाँ मैं अपडेट करती रहती हूँ जो मुझे लगता है आपको सबको पता होना चाहिए। और अगर कोई अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना चाहता है, तो वो मेरा रेफरल कोड है आरती रानी, इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो अब मैं गाइज इस सेशन को यहीं ख़त्म करती हूँ, थैंक यू सो मच आप सभी ने इस क्लास को ज्वाइन किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस व्हाट इज़ डीएनए प्रोफाइलिंग एंड व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और अगर हम RFLP, AFLP या RAPD को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से करते हैं, वो भी मेथड सेम है, वो भी मॉलिकुलर मार्कर्स ही हैं, ठीक है, वो भी मॉलिकुलर मार्कर्स ही हैं RFLP, RAPD, AFLP, ठीक है, वो भी मॉलिकुलर मार्कर्स ही हैं, लेकिन उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए, कि अगर मैं सपोज़ AFLP को आइडेंटिफाई करना चाह रही हूँ किसी ह्यूमन DNA में, या फिर मैं RFLP को आइडेंटिफाई करना चाह रही हूँ किसी ह्यूमन DNA में, तो यहाँ पर लिटिल थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक यूज़ करेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं हाँ ये भी हम DNA फिंगरप्रिंटिंग से ही, इन मेथड्स को भी हम DNA फिंगरप्रिंटिंग से ही एनालाइज करते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग मतलब ये पता करना कि कौन से सीक्वेंस कहाँ है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की ये डेफिनेशन होती है, DNA फिंगरप्रिंटिंग मतलब ये पता करना कि कौन सी सीक्वेंस किस आदमी में कहाँ कहाँ है। तो मैं RFLP, AFLP, RAPD, ISR इन सभी सीक्वेंस को DNA फिंगरप्रिंटिंग से पता कर सकती हूँ, लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तो देन आपको पता है कि आपको कब कहाँ क्या आंसर चूज़ करना है, ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग मतलब DNA का फिंगरप्रिंट पता करना कि उसके DNA में कौन सी सीक्वेंस कहाँ पर है, ठीक है। थैंक यू गाइज एंड यस स्टे सेफ। BSc स्टूडेंट्स नहीं एलिजिबल होते हैं निशांत, MSc ज़रूरी है CSIR के लिए, या तो आप BTech हो
या तो बीटेक हो स्टूडेंट, है ना, या फिर एमएससी हो, ठीक है, या फिर बी फार्म हो. बीएससी वाले का बीएससी नहीं कर सकते, वो एमएससी उसका जरूरी है, ठीक है. किसी को कोई डाउट और कुछ पूछना है? और गाइस अपने आप को सुरक्षित रखिए कोरोना वायरस से, अपनी फैमिली को बचा के रखिए, घर में रहिए. अभी हमारा 21 दिन का लॉकडाउन है, अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादा न्यूज़ मत देखो. ज़्यादा न्यूज़ देखोगे तो ज़्यादा ऐसा लगेगा पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है. बस इतना अपडेटेड रहो कि अभी आपको घर पे रहना है. आपको, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता है कि कोरोना वायरस किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है, कितना फास्ट उसका ट्रांसमिशन है, ठीक है. आपके फैमिली मेम्बर्स उतना इसको नहीं जान पा रहे होंगे क्योंकि वो उस लेवल से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं चीज़ें. आपको उतनी नॉलेज है कि किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, कितना फास्ट ट्रांसमिशन है इसका, ठीक है. तो इसलिए अपनी फैमिली को अच्छे से ध्यान रखने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है. और बाकी आप ध्यान रखिए सबका, अपने घर में, अपने आप का. न्यूज़ ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है पूरी दुनिया में. बेटर इस टाइम बस इतना अपडेटेड रहो कि हाँ 21 दिन का अब लॉकडाउन हो चुका है, 21 दिन अब हमें सबको घर के अंदर ही रहना है. तो अब इन 21 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो और अच्छे से प्रिपेयर करो, अपने एग्ज़ाम पर फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है. अब वो कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम. और ऐसा मत सोचो कि आपको कुछ हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं होने वाला. टेक्निक्स यूज़ जो हो रही है वो रियल टाइम PCR यूज़ हो रही है डियर, रियल टाइम PCR. ये मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी, रियल टाइम PCR मेथड का यूज़ हो रहा है. लेकिन ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन किट अप्रूव हो चुकी है, जिसमें एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन करके टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी. मेरी नेक्स्ट क्लास सुमित्रा 27th को है यूट्यूब पर, 27th को है यूट्यूब पर, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यही अनअकैडमी सेशन पर, ठीक है. तो रियल टाइम PCR टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं. एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन किट भी ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करना. ज़्यादा न्यूज़ मत देखो, जितना रिक्वायर्ड है उतनी न्यूज़ देखो, बहुत बारीकी में मत जाओ क्योंकि उससे आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी. और स्ट्रेस और टेंशन अगर होगी तो ना पढ़ पाएंगे, ना किसी को कुछ बता पाएंगे, ठीक है. बेटर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो क्योंकि अल्टीमेटली आज नहीं तो कल आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, ठीक है. टाइम मेरी क्लास का है मॉर्निंग में है, मेरी क्लास का टाइमिंग होंगी गाइस 12 PM 27 तारीख को दोपहर 12 बजे मैं आऊँगी. और आई थिंक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रिप्टोफैन है, आई थिंक ट्रिप एटीन्यूएशन आपने पढ़ा होगा, ट्रिप एटीन्यूएशन, ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन के बारे में टॉपिक अवंती का वही मैं कोशिश कर रही हूँ. एक तो ट्रिप्टो इस मंथ मार्च में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन, ठीक है. और इसके अलावा मिजल्सन रेप्लिकेशन का जो एक्सपेरिमेंट है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें कंफर्म किया गया रेप्लिकेशन, मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट. और इससे रिलेटेड हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑब्वियसली हर सेशन में करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन है, मिजल्सन एंड स्टॉल है, और आज हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग हुआ, और एक टॉपिक और है, टॉपिक मैं भूल गई क्या नाम है उस टॉपिक का. मेरी सारी क्लासेस, मेरी एक क्लास है, एक सेकेंड, मेरी एक क्लास है अभी 27th को, 27th मार्च. नेक्स्ट क्लास है मेरी 29th मार्च, एक एक दिन छोड़कर. और उसके बाद नेक्स्ट क्लास है मेरी 31st मार्च. और तीनों क्लासेस के टाइमिंग्स मेरे हैं 12 PM टू 1 PM, ठीक है, तीनों क्लास के टाइम. एक क्लास में मैं मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाली हूँ विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से. एक क्लास में मैं ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन डिस्कस करने वाली हूँ, ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिप ऑपेरॉन से.
और एक क्लास का टॉपिक मैं इस टाइम भूल गई गाइस, सॉरी। ठीक है, तो फिलहाल ये शेड्यूल रहेगा, लेकिन जो थर्ड टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो थर्ड टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अरे हाँ, वो है मैसेंजर आरएनए, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी 5' कैप एंड एडिनाइलेशन के बारे में। ठीक है, विद हर एक क्लास में रहता है वो, तो मेरा विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। लास्ट 10 ईयर के पेपर्स अगर एक सिंगल कंपाइलेशन में चाहिए, इसके लिए अवंतिका ऑलरेडी बुक्स हैं अमेज़ॉन पर आप देखोगे ना, ऑलरेडी बुक्स पब्लिश हैं जिसमें 10 साल के क्वेश्चन टॉपिक वाइज अरेंज हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अमेज़ॉन बंद है। ठीक है, ऑलरेडी बुक्स हैं, और मैं अपनी एक वेबसाइट डेवलप कर रही हूँ, वेबसाइट लॉन्च करूँगी जल्दी। मेरा टेलीग्राम पर एक चैनल है बायो, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा, वहाँ मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डाल रही हूँ। ठीक है, तो जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अवंती का, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगी। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट मंथ में, किसी स्पेशल क्लास में ले लूँगी मैं इस टॉपिक को। ठीक है, ठीक है गाइज, थैंक यू, टेक केयर। मैं इस सेशन को यहीं ख़त्म करती हूँ। ठीक है, ये मेरा शेड्यूल है अगले 3 दिन का, 27 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख को दोपहर 12 से 1 बजे। टॉपिक्स हैं, किसी एक क्लास में मैं ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन के बारे में डिस्कस करूँगी, एक क्लास में मैं यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं पास्ट ईयर CSIR में। एक क्लास में मैं मिजल्स एंड इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करूँगी, और तीनों क्लासेस में किस तरह के पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर एक क्लास में, वो हम डिस्कस करेंगे। और अनअकैडमी पर जो मेरी स्पेशल क्लास होंगी, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, आरती रानी नाम से, ये मेरा नाम है आरती। अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी कोई क्लास होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम सिंह है, सुमित्रा राजपूत हूँ मैं, तो सिंह भी लगा लो, पुंडीर भी लगा लो, राणा भी लगा लो, कुछ भी लगा लो। एक्चुअल में मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, तो कुछ भी होता है। ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू था तो उसकी वजह से रानी चलता आ रहा है, तो रानी चल रहा है अभी। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय।